छोटे छोटे टर्म्स की बात करेंगे, ठीक है, छोटे छोटे टर्म्स की बात करेंगे तो हम, मैंने ऐसे तो बोला था, ठीक है। तो सिस्टम क्या होता है, अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो ये क्या है, स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। अच्छा, कौन सा यूनिफाइड पार्ट है, जहां पे हम ऐसा कह लें यूनिफाइड विथ रियल और इमेजिनरी बाउंड्री बोल सकते हैं, जिसमें हीट बेसिकली बाहर नहीं आया, नहीं वो तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिस्टम, नहीं नहीं वो तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिस्टम था ना। हाँ, देखो हम कह रहे हैं कि ठीक है, पूरा ही तो सिस्टम के बारे में अगर बोला जाए तो ये तो यूनिवर्स का ही पूरा पार्ट है, यूनिवर्स का ही कोई पार्ट होगा, ठीक है। तो हम कह लें कि ये यूनिवर्स का वो स्पेसिफाइड पार्ट है जिसका कोई ना कोई तो रियल या इमेजिनरी बाउंड्री होगा, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, अब हम कह लें कि अगर सपोज मैं ऐसा बोलूं कि मैं इस रूम में कुछ काम करने जा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है, तो मैं इस रूम में एग्जाम देने जा रही हूँ, एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है, इस रूम में मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, तो ये रूम मेरे लिए क्या है, सिस्टम है, ये जो चार दीवार है वो क्या है, बाउंड्री है, ठीक है, ऑल आर क्या है, यूनिवर्स है, सराउंडिंग, क्लियर है क्या बात, ठीक है। तो हम कह लें कि सिस्टम ऐसा होगा जिसके लिए ये बात बोलना बिल्कुल जरूरी है कि अगर वो सिस्टम है तो उसका रियल या फिर इमेजिनरी कोई ना कोई तो बाउंड्री होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सराउंडिंग की बात करूं तो कि रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, मतलब सिस्टम को छोड़ के बाकी सारा पार्ट यूनिवर्स का क्या है, सराउंडिंग, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब हम कह लें कि जस्ट वो वाला पार्ट, वैसा वाला पार्ट जस्ट एडजेसेंट टू रियल और इमेजिनरी वर्ल्ड, हाँ, अच्छा, अब ऐसे तो बोलना तो सराउंडिंग तो हम हर चीज को ले सकते हैं ना, ठीक है। तो हम ऐसा कह लें कि अब हम लोग, मतलब नोट करके ये बात हम थोड़ा सा समझेंगे कि अगर हम कोई भी प्रैक्टिकल पर्पस की बात करें, ठीक है, प्रैक्टिकली अगर देखो, अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं, ठीक है, तो प्रैक्टिकली जिस रूम में मैं बैठी थी वो रूम तो सिस्टम था मैं, ठीक है, उसके रेस्ट दुनिया का जितना भी पार्ट है वो सराउंडिंग है, ठीक है। पर देखो ये प्रैक्टिकली बोलना, ऐसा बोल सकते हैं क्या, प्रैक्टिकली सराउंडिंग बोला जाए, सराउंडिंग बोला जाए तो वो सराउंडिंग हम किसको लेते हैं, हम कह लें जो इमीडिएट सराउंडिंग है, मतलब मैं बैठ के एग्जाम दे, राइट, ठीक है, तो मैं बोलूं वो जिस एग्जाम, जिस रूम में मैं बैठ के एग्जाम दे रही हूँ दैट इज माय सिस्टम, और वो स्कूल को मैं इमीडिएट सराउंडिंग मान लूं कि वो मेरे इमीडिएट सराउंडिंग, ठीक है, एग्जाम तो सिर्फ वो स्कूल पे डिपेंड करता है ना। अब मान ले कि, मान ले तू चंडीगढ़ में एग्जाम दे रहे, ठीक है, तो क्या यहाँ पे मैं वही चीज को, वही क्वेश्चन को अगर मैं बोल रही हूँ तो क्या एग्जाम तेरा इफेक्ट कर रहा है, नहीं, अगर मान लेते तो हम ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं है और मैं वही क्वेश्चन किसी और को बता रही हूँ, ठीक, तो हम कह लेंगे कि हाँ यार कुछ फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये जो सराउंडिंग है उससे कोई मतलब तो नहीं, लेकिन अगर तू जो उस क्लास में बैठ के एग्जाम दे रहा है और बाहर में कोई बच्चा वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है कॉरिडोर में, तो उसने तो इफेक्ट करा ना, ठीक है। तो हम कह लें कि प्रैक्टिकली, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं सराउंडिंग क्या है, तो सराउंडिंग हम सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट सराउंडिंग की बात करें, क्लियर है। अच्छा, अब देखो अगर मैं इसके बारे में अगर अच्छे से बोलूं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में, तो मैं कह लूं कि अगर मैं कोई ऐसा ले लूं तो दिस इज सिस्टम, मान लेते हैं, ठीक है, ये सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, तो सिस्टम है तो मैं इसको क्या कहूँ, इसको मैं कह लूं कि ये मेरा क्या है, बाउंड्री, ठीक है, तो इसके अलावा इधर जो भी कुछ है तो इसको मैं कह लूं कि ये क्या हो जाएगा, सराउंडिंग, ठीक है। अब यूनिवर्स की बात करूं, अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं
तो इनवर्स में क्या आएगा सिस्टम प्लस सराउंड, यही तो होना चाहिए ना, क्लियर है क्या बात? अच्छा अब हम लोग यही सिस्टम की बात करने जा रहे हैं, ठीक है? सिस्टम जहां पे हम ऑब्जर्वेशन करा रहे हैं, ठीक है, जहां पे हम कोई भी काम कराना चाह रहे हैं, ठीक है, क्लियर है? अच्छा अच्छा मैं अगर ऐसा भी बोलूं कि सिस्टम में जहां पे मैं पीवीटी का कुछ करा सकती हूँ, ठीक है, जिसके बारे में हम जिस जगह पे स्टडी कर सकते हैं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, मेनली पूरा चैप्टर तो इनके ऊपर ही है, ठीक है, तो बस ये भी कह सकते हैं कि हम वहां पे प्रेशर टेम्परेचर की बात कर रहे होंगे, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा सिस्टम कहलाएगा।